आज पूरा यूपी भलीभांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था, किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
दावत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने तीन सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। साथियों, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में
रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी, अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे, खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस सेक्टर को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। साथियों, गोरखपुर खाद कारखाने की बहुत बड़ी भूमिका देश को यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी होगी।